तो बहुत खुशी है कि आज ये आईफा इंडिया में हो रहा है, बिकॉज एक इमोशनल फीलिंग है कि हिंदुस्तान का अवार्ड है और इंडिया में ही हो रहा है, तो उसकी बहुत बहुत खुशी है मुझे। यू नो इट्स वेरी इमोशनल बिकॉज दिस इज़ द प्लेस, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ इंडस्ट्री का जन्म हुआ और यहाँ पे इतना टैलेंट पनपा और वो टैलेंट फिर दुनिया भर में फैला। सो दुनिया भर घूमकर हम वापस अपने अपने घर में आए हैं और यहाँ पर अवार्ड कर रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी इमोशनल। सलमान खान ऑलवेज, या सलमान, मैं मुगल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँ, मुगल मेरे फादर थे, वो ही रहेंगे हमेशा। यस, के हमने एक स्टेप उठाया है फिल्म्स बनाने के लिए, काफ़ी सारी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, काफ़ी सारे अच्छे कोलाबरेशन्स हुए हैं आनंद राय के साथ, अनुभव सिन्हा के साथ, लव रंजन के साथ, तो बहुत खुशी है कि मीन्स लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करते हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ को करते हैं, हमारी मार्केटिंग को करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। सो उस चीज़ की बहुत खुशी है, इट्स हार्ड वर्क ऑफ माई इंटायर टीम। अभी तो एक्चुअली कुछ तैयारी शुरू नहीं की है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जल्दी पोस्टर बाहर आएगा और डेट अनाउंसमेंट आएगी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांट कि आप सब बहुत प्यार दें मुझे, क्योंकि मेरे मन में यही है कि आप हमेशा इतनी इनकरेजमेंट और प्यार देते हैं, वो आप ज़रूर जारी रखिए। अभी बोलना है, अभी अनाउंस नहीं कर सकते, पोस्टर आ रहा है तो थोड़ा सरप्राइज। अच्छा, उन्होंने बंद करवा दिया इसे कुछ, पर आई थिंक यू नो इट्स बेटर अगर अनाउंसमेंट मेरे डायरेक्टर की तरफ से आए और मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से आए, वो अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद ही आगे बढ़ के अनाउंसमेंट कर रही हूँ, बिकॉज दे आर द वंस हु सिलेक्टेड मी, सो या दे शुड अनाउंस इट। आईफा एक ऐसा अवार्ड है जो कि देश विदेश प्रदेश सब में घूमता है और पूरी इंडस्ट्री को वहाँ लेके जाता है। आई थिंक ये पहला अवार्ड है जबकि वो बॉम्बे में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, एंड आई हैव बीन ऑलवेज ए पार्ट ऑफ आईफा। आईफा हैव बीन ऑलवेज वंडरफुल, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी न्यू और वेरी टाइम। मुझे आईफा में जाने में अच्छा लगता है। रेखा जी लीजेंड हैं, लीजेंड रहेंगी, हर साल उनका जन्मदिन आता है, हम हर साल उनको विश करते हैं, ये हज़ारों साल के दिन हो, 50 साल। Thank you. Any question? I first traveled around the world, so many countries. तो बनता है कि मतलब 20th birthday है तो वो घर आए हैं। I think everyone's really welcoming them here, and I'm also very grateful कि उन्होंने मुझे part बनवाया इस special year का, because I hosted IFA Rocks. बहुत ही बढ़िया था, audience बहुत wonderful audience. It was बहुत musical evening रही और fashion filled evening रही, beautiful fashion shows and music performances. मैं ना labels को ज़्यादा seriously लेती नहीं हूँ, पर मैं I'm very grateful for the appreciation. I don't see them much, I just take the positivity, but I don't stick to labels myself really. हाँ, see, मैंने उनको बताया था मारो मत मुझे, हाँ हाँ, जो भी genre का कोई problem नहीं है, जो भी आएगा अच्छा लगा तो काम करूँगी मैं. Thank you, done. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।